हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेवाड़ इनर सिंह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रेनल सिस्टम के अंदर अपन ने लगभग सारी डिजीज पढ़ ली, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट डिजीज अपने पास में बच जाती है, रेनल एप्सिस। लास्ट डिजीज थी और फिर अपन क्रोनिक रेनल फेलियर और ESRD जो अपन ने कल लर्न किया था उसी का एक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है। जैसा कि कल अपन ने रेनल ट्रांसप्लांटेशन भी पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग एक अपन और मैनेजमेंट कर सकते हैं इसका, डायलिसिस। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो आज अपन हेमोडायलिसिस भी पढ़ेंगे और रेनल एप्सिस भी पढ़ेंगे, देन फर्दर कल अपन पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ में इस सिस्टम को फिनिश करेंगे। तो आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और उन बच्चों तक भी इस क्लास का नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचाए जिनके पास अभी तक क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है। हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो बहुत ही छोटी सी एक डिजीज़ है, उसको अपन 5 से 10 मिनट के अंदर फिनिश करेंगे, देन अपन चलेंगे यहाँ पे डायलिसिस के ऊपर। तो रेनल एप्सिस क्या होता है? रेनल एप्सिस, रेनल वर्ड यूज आता है, सभी को पता है, किडनी के लिए। किडनी के अंदर पस इकट्ठा हो जाता है, पस फॉर्मेशन इन किडनी, इट इज कॉल्ड रेनल एप्सिस। तो एक्यूमुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पस इनटू रेनल कॉर्टेक्स। अब ये भी कहाँ पे होगा? रेनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर यह पस यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो एक्यूमुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पस इनटू रेनल कॉर्टेक्स, क्या है? रेनल कॉर्टेक्स। तो आ सकता है एग्जाम के अंदर, देन ये CHO का क्वेश्चन आ सकता है। देन कॉजेज क्या है इसका? UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो रेनल स्टोन होता है, वो रेनल एप्सिस कॉज कर सकता है। डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा टू यूरिनरी सिस्टम के ऊपर अगर मान लो कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, पस इकट्ठा हो सकता है। देन क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो फीवर, पेशेंट को फीवर क्योंकि इन्फेक्शन है, फीवर आएगा। पेन इन अपर क्वाड्रेट एरिया, अपर क्वाड्रेट क्यों अपन कंसिडर करेंगे? क्योंकि जो किडनी की लोकेशन होती है दोनों ही किडनी की, वो अपर क्वाड्रेट एरिया में ही लोकेटेड होती है। तो अपर क्वाड्रेट एरिया में यहाँ पे पेन होगा और एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख कम लगेगी, वेट लॉस होगा पेशेंट को। और डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करते हैं? वही KUB करना है, यानी एक्सरे करना है, KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का। देन यूरिनरी टेस्ट करना है पेशेंट का। और फिर अपन मैनेजमेंट के अंदर अगर बात करें तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं पेशेंट को, एंटीपायरेटिक अगर फीवर आ रहा है तो। और पस को ड्रेन करना है, ड्रेन आउट करवाना है पस को, इन्वेजिव प्रोसीजर के द्वारा पस को ड्रेन आउट करवाना है ट्यूब के द्वारा। और नर्सिंग केयर की अगर बात करें तो नर्सिंग केयर अपन क्या क्या देंगे पेशेंट को? रेफर टू पाइलोनेफ्राइटिस और ऑल UTI नर्सिंग इंटरवेंशन है। सारे के सारे जो अपन ने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो इंटरवेंशन पढ़े थे, सारे के सारे प्रिकॉशंस अपन को रखने हैं। देन फर्दर अपन चलेंगे यहाँ पे डायलिसिस के ऊपर। तो रेनल एप्सिस को आपने शॉर्टली यहाँ पे समझा, उसमें से क्वेश्चन ओनली फॉर एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा कि रेनल एप्सिस क्या होता है, वो भी CHO का क्वेश्चन, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। डायलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है। दोनों ही डायलिसिस, जो हेमोडायलिसिस है और पेरिटोनियल डायलिसिस है, दोनों के यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे डायलिसिस की अगर बात करें तो होता क्या है डायलिसिस? सबसे पहले यहाँ पे इट इज़ ए प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड
वेन किडनी इज अनेबल टू रिमूव, जब अपनी जो किडनी होती है वो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट होता है उसको यहाँ पर रिमूव करने में अनेबल होती है। क्या होती है? अनेबल मतलब वेस्ट को वो किडनी है वो रिमूव नहीं कर पाएगी, वो वाली कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होगा, वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस करेंगे अपन, उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो इट इज़ ए प्रोसेस रिमूव वेस्ट फ्रॉम, वेस्ट को रिमूव करने के लिए यह प्रोसेस अपनाई जाती है या की जाती है जब किडनी अनेबल होती है, किडनी जब वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाती है उस कंडीशन के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं डायलिसिस का। किसका यूज़ करते हैं? डायलिसिस का। इन कंडीशन ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर वाली कंडीशन में अपन एज एन एक्यूट रीनल फेलियर इनसफिशियंसी सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन हावर्स टू डे। एक्यूट रीनल फेलियर अपन ने पढ़ा था, उस वाली कंडीशन में भी अपन डायलिसिस करते हैं जो कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है, मतलब सडन लॉस होता है उसकी किडनी के फंक्शन सडन लॉस हो जाते हैं। देन क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी फेलियर वो वाली डिजीज है, उसके अंदर इंसीडियस लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, इंसीडियस यानी धीरे धीरे आराम से होंगे लॉस, मतलब अचानक से नहीं होंगे, धीरे धीरे वीक टू मंथ टू ईयर, कहीं वीक और कहीं मंथ और कहीं ईयर तक भी यह जा सकता है। इसके यहाँ पे इस प्रकार से ये रीनल फेलियर वाली कंडीशन डेवलप होती है क्रोनिक वाली। तो ये दोनों ही कंडीशन में अपन क्या करते हैं, डायलिसिस किया जाता है पेशेंट का, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। देखते हैं अपन आगे, इफ़ योर किडनी हैव रिमेन 10-20% फंक्शन देन कंडीशन ESRD। जो अपन ने एंड स्टेज रीनल डिजीज अपन ने कल पढ़ी थी वो क्या है कि जब किडनी है आपकी वो 10-20% अगर काम करेगी, 10-20% ही उसका अगर फंक्शन रह जाएगा तो उस समय जो कंडीशन होगी पेशेंट की वो होगी ESRD वाली, यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। देन डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी है, छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड व्हेन योर किडनी इज अनेबल टू एडिक्वेट रिमूव दैट कंडीशन इज डायलिसिस इज नेसेसरी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी लाइन लिखी है कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है, मतलब वेस्ट को ब्लड से रिमूव करने की एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जब जब आपकी जो किडनी है वो अनेबल होती है, किडनी रिमूव करने में अनेबल होगी उस समय इस प्रोसेस को अपनाया जाता है और ब्लड से वेस्ट को यहाँ पे बाहर निकाला जाता है। तो ये एक प्रकार के मतलब तकनीक है, आर्टिफिशियल मशीन है, बनाई हुई मशीन है इंसान के द्वारा, जो क्या करेगी किडनी से वेस्ट को यहाँ पे रिमूव करेगी, रिमूव करने का काम करेगी, और दैट कंडीशन इज डायलिसिस इज नेसेसरी। आगे देखें अगर अपन तो विलियम जॉन कॉल्फ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट वर्किंग डायलाइजर इन 1943। बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है, इसका यहाँ पे हिस्ट्री बताई है डायलिसिस की कि डायलाइजर जो है उसका सबसे पहला यूज किसने किया था, विलियम जॉन कॉल्फ ने। किसने किया था? विलियम जॉन कॉल्फ ने। कब किया था? 1943 में। कब किया था? 1943 में। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। देन अगर आगे देखें अपन, आगे और भी है कुछ भी और कुछ अपने पास में पैरामीटर है, आर्टिफिशियल रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब आर्टिफिशियल यानी ज़बरदस्ती बाहर से कुछ मेथड अप्लाई करके यहाँ पे वेस्ट को रिमूव करवाया जा रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूड फ्रॉम योर ब्लड व्हेन योर किडनी कैन नॉट लॉन्गर डू दिस। टाइप्स ऑफ डायलिसिस, पहला होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, दो प्रकार के डायलिसिस होते हैं। अब एजोटेमिया, क्वेश्चन बनता है एजोटेमिया से रिलेटेड, कई बार आया है क्वेश्चन, इंक्रीज वेस्ट लेवल इन किडनी, किडनी के अंदर जो वेस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है,
एजोडेमिया, और एजोडेमिया में क्या क्या, एक तो BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड का लेवल यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है, एजोडेमिया वाली कंडीशन। तो आया समझ में सभी को, टाइप्स आया सभी को समझ में, एजोडेमिया वाली कंडीशन समझ में आई। अब अपन फर्दर कैरी ऑन करते हैं हेमोडायलिसिस। उससे पहले आपके सामने डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे GNM लेवल, BSc लेवल और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं अपन हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है, कंडक्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के यहाँ पे बाहर के तरफ से कंडक्ट किया जाता है। मशीन हेमोडायलिसिस की जो होती है, हेमोडायलिसिस याद रखना हेमो वर्ड किसके लिए हो जाता है, ब्लड के, और ब्लड के अंदर कैथेटर डाल के अपन क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे डायलाइजर मशीन में। तो ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा, मशीन में जाएगा और वहाँ से डायलिसिस होके वापस बॉडी के अंदर रोटेट होगा। तो कंडक्ट, ये जो प्रोसेसर होता है वो कंडक्ट होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर, और नीड डायलिसिस मशीन। इसमें क्या होता है, डायलिसिस मशीन की और डायलाइजर की नीड होती है, और ये एक्सपर्ट हेल्थ वर्कर के द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब इसके लिए गाइडेंस जरूरी है, हेल्थ वर्कर का गाइडेंस बिल्कुल ज़रूरी है। देन अगर पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो कंडक्ट इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर ही होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस अंदर ही होता है। कंडक्ट विद नेचुरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यह कंडक्ट किया जाता है नेचुरल पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, और ये घर पर भी अपन कर सकते हैं। एक बार लगा दिया तो वो घर पर भी वर्क करेगा, अपन लगाने के बाद में पेरिटोनियल डायलिसिस लगाने के बाद में घर भी जा सकते हैं। तो दोनों ही क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है इसके अंदर, पूरा का पूरा प्रोसीजर आप सभी के सामने वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा अभी। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको एक इमेज दिख रहा होगा, डायलिसिस मशीन है, एक पेशेंट लेटा हुआ है और उसका क्या हो रहा है, हीमोडायलिसिस हो रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, हीमोडायलिसिस। ये जो मशीन आपको दिख रही है ये क्या है, डायलाइजर, डायलाइजर मशीन है ये, पूरी की पूरी क्या है, डायलाइजर मशीन है। ये पेशेंट लेटा हुआ है और इसके यहाँ पे आर्टरी और वेन के अंदर ये इस प्रकार से यहाँ पे कैथेटर डाला हुआ है। तो देखते हैं अपन हेमोडायलिसिस होता क्या है, का रिमूव वेस्ट एंड वाटर बाय सर्कुलेटिंग ब्लड आउटसाइड बॉडी थ्रू एन एक्सटर्नल फिल्टर इज कॉल्ड ए डायलाइजर। सबसे बढ़िया बात लिखी है कि रिमूव वेस्ट को रिमूव किया जाता है और वाटर को रिमूव किया जाता है बाय सर्कुलेटरी ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड के द्वारा आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर की तरफ। ये एक्सटर्नल फिल्टर होता है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक्सटर्नल फिल्टर मतलब बाहर की तरफ फिल्टर होता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, डायलाइजर, डायलाइजर मशीन के द्वारा। डेट कंटेंस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, इसका कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। देन इंडिकेशन, अब किस किस कंडीशन में अपन हेमोडायलिसिस करते हैं, तो पहले भी अपन ने बता दिया रेनल फेलियर, ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है रेनल फेलियर वाली, और रेनल फेलियर वाली भी कौन सी है, एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, और ESRD वाली कंडीशन भी हो सकती है। देन रिमूव एक्सेस फ्लूड और वेस्ट प्रोडक्ट एंड फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब रिमूव करना है एक्सेस फ्लूड को तो उस वाले कंडीशन में भी किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है या फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी हेमोडायलिसिस किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी आप सभी के सामने, इंडिकेशन जिसमें हेमोडायलिसिस किया जाता है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें, पूरा का पूरा ये लिखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी कौन सा इम्पोर्टेंट है आप सभी के सामने, मोस्ट कॉमन किसके अंदर दिया जाता है हेमोडायलिसिस, रेनल फेलियर के अंदर। और रेनल फेलियर में भी आप सभी के सामने क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकता है, देन एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, देन ESRD वाली कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे एंड स्टेज रेनल डिजीज भी हो सकती है।
अगर आप लिखना चाहें इस कंडीशंस को लिख सकते हैं। बढ़े आ गया। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। अब ये वर्क कैसे करता है हेमोडायलिसिस वो बता रहा हूँ, मशीन के अंदर किस प्रकार की आपके सभी के सामने वो स्ट्रक्चर होती है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट से आया ब्लड, ब्लड लिया पेशेंट का और एक चैम्बर के अंदर डालेंगे। चैम्बर के अंदर से फ्रेश डायलाइसेट होगा, एक डायलाइसेट होगा, वहाँ से डायलाइसेट आएगा, डायलाइजर आएगा और वो क्या करेगा, जो ब्लड के अंदर ब्लड ऊपर से जिस प्रकार ये है ब्लड रन कर रहा है और ये वापस इस ट्यूब के अंदर चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले जो डायलाइजर होगा वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको बढ़ा देगा और सारा का सारा कंटेंट इस डायलाइसेट में के अंदर आ जाएगा। जो डायलाइसेट है वो अपनी तरफ खींच लेगी और सारा का सारा वेस्ट इस प्रकार से एक अलग से कंटेनर बनाया जाता है डायलाइसेट विद वेस्ट और फ्रेश डायलाइसेट। फ्रेश डायलाइसेट में कोई भी वेस्ट नहीं होता है और वो जाता है और वो पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे अपने अंदर समाहित कर लेता है और ब्लड वापस फ्रेश होके जो रेड कलर का जो ब्लड है आपका वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा, रिटर्न बैग इनटू क्लीन ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर रिटर्न बैग होगा। तो ये डायग्राम अगर बनाना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन बनाए बाद में पहले क्लास को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देन आगे बढ़े, अपन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन साइट एंड प्लेसमेंट, सब क्लेवियन एंड फीमोरल कैथेटर। अब देखो साइट, साइट का अर्थ पूछा है यहाँ पे, जो अपन कैथेटर वहाँ पे बॉडी के अंदर पुट करेंगे जहाँ से ब्लड ले रहे हैं अपन मशीन के अंदर, तो उसकी भी कुछ साइट है। तो सब क्लेवियन बताया था मैंने हार्ट वाले चैप्टर में, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा था उसमें सब क्लेवियन और फीमोरल आर्टरीवियन पढ़ा था, तो ये कैथेटर वहाँ पे पुट किया जाता है। कैटल मैन भी इंसर्ट फॉर शॉर्ट टर्म और टेम्प्रेरी यूज़ एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर के अंदर ये यहाँ पर टेम्प्रेरी यूज़ किया जाता है। एंड एक्सटर्नल आर्टरी ऑफ विनस शंट, एक्सटर्नल आर्टरी और विनस शंट भी लगाया जाता है, मतलब एक आर्टरी से लगेगा दूसरा वेन से लगेगा, तो एवी शंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। टू सिलेस्टिक कैनुला आर सर्जिकल इंसर्टेड इनटू एन आर्टरी एंड वेन इन फोर आर्म और लेग टू फॉर टू फ्रॉम एक्सटर्नल ब्लड पाथवे। और अगर आप इसका कॉम्प्लिकेशन देखें, अगर अपन किसका जो हेमोडायलिसिस है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है याद रखना, हमेशा याद रखना हाइपोटेंशन। क्या होता है पेशेंट को? हाइपोटेंशन। क्या होता है सबसे पहले? हाइपोटेंशन होता है पेशेंट को। किसका कॉम्प्लिकेशन है ये? ये यहाँ पे हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक को नोट करें, प्लेसमेंट जरूर लिखे, प्लेसमेंट सबसे पहले लिखे आप, सब क्लेवियन एंड फीमोरल इसके बीच में कंटेंट बिल्कुल लिखना नहीं आपको। देन एक्सटर्नल आर्टरी और विनस शंट इसका नाम लिखे आप और देन कॉम्प्लिकेशन पर जाए और हाइपोटेंशन वहाँ पे लिखे। लिख लिया, ये आपकी सुपीरियर मैंने क्या, ये जो मैंने वो अभी जो लाइन बताई थी वो इस प्रकार से सेट की जाती है आपके, ये इस प्रकार से सेट की जाती है आर्टरी और वेन के अंदर। देन इंटरनल आर्टरी और विनस फिस्टूला, एबनॉर्मल कनेक्शन बनाया जाता है आर्टरी और वेन के बीच में फिस्टूला डाल के। तो इट इज क्रिएटेड सर्जिकली बाय एनास्टोमोसिस ऑफ ए लार्ज आर्टरी एंड लार्ज वेन इन आर्म।
और ऑस्कल्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्रूट, ब्रूट यानी वूजिंग साउंड जो होती है, थ्रिल एंड वाइब्रेशन वाली। एट साइड प्राइमरी पेलेट ए नर्सिंग ऑफिसर विल रिवल्यूट वैकेंसी ऑफ AVF एट यानी आर्टरी वीनस पेटुला अपन को लगाना है और ऑस्कल्टेट करना है। वहाँ पे क्या सुनाई देगी? वूजिंग साउंड, ब्रूट साउंड सुनाई देगी और असेस करना है एवरी 8 आवर में। डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड यूज टू चेक फॉर आर्टरी वीनस फिस्टूला इन योर लेग। और अपन को क्या करना है? आर्टरी वीनस जो फिस्टूला है उसको लेग के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ये इस प्रकार से अपन को फिस्टूला बनाना है, AV फिस्टूला। अभी जो मैंने बताई थी कंडीशन, AV फिस्टूला ये वाली जो कंडीशन, इस प्रकार से ये एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर। और इससे क्या होगा, अपन को एक ही जगह पर अपन को कैथेटर को पुट करना होगा, वहीं से ब्लड मिक्स हो जाएगा। देन इंटरनल आर्टरियोवेनस ग्राफ्ट, इंटरनल आर्टरियोवेनस ग्राफ्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर इन आर्टिफिशियल ग्राफ्ट मेड ऑफ गोरटेक्स सिंथेटिक वाटरप्रूफ फैब्रिक और ए बोविन यानी काउ कैरोटिड आर्टरी इज यूज टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वेन फॉर ब्लड फ्लो। और डायलिसिस प्रोसीजर, देखो डायलिसिस क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसीजर होता है, पूछ सकते हैं डायलिसिस क्या होता है, प्रोसीजर होता है। देन डायलाइजर जो होती है, डिवाइस होती है या मशीन बोल सकते हैं उसको। और डायलिसेट, डायलिसेट क्या होता है, सब्सटेंस होता है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो फ्लूड यूज किया जाता है, ये जो सब्सटेंस यूज किया जाता है डायलाइजर मशीन के अंदर या डायलिसिस प्रोसेस के अंदर, उसका नाम क्या है, डायलिसेट। तो इस प्रकार से ये AV ग्राफ्ट किया जाता है। ग्राफ्ट का मतलब एक यहाँ पे वेन को या आर्टरी को यहाँ पे लेकर एनास्टोमोसिस करके इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। देन इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्रॉम द डायलिसिस मशीन, डायलिसिस मशीन से आ रहा है और डायलिसिस मशीन को जा रहा है, ठीक है, यह इसमें जा रहा है और इसमें आ रहा है, इसके अंदर वेस्ट है और इसके अंदर वेस्ट नहीं है, ठीक है, ये इस प्रकार से लगाया जाता है। देन डायलिसेट फ्लूड कंपोजिशन, डायलिसेट के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं देखना। सोडियम होता है 132 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम होता है 0 से लेके 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड होता है 103 से लेके 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाइकार्बोनेट 0 से लेके 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और एसीटेट 2 से लेके 37 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम 0 से लेके 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और मैग्नीशियम कितना होता है, 0.5 से लेके 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ग्लूकोज कितना होता है, 0 से लेके 200 mg पर dl। ये सारे के सारे, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है, एसीटेट होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और ग्लूकोज होता है। सारे के सारे पैरामीटर मैंने बता दिया, डायलिसेट फ्लूड का कंपोजिशन एग्ज़ाम में आ सकता है, कितना है वो नहीं पूछेंगे, कंपोजिशन पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। देन हीमोडायलिसिस प्रोसीजर यूज एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग विद डायलाइजर और ब्लड ट्यूबिंग। हेमोडायलिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं और एंटीकोगुलेंट के रूप में अपन किसको यूज करते हैं, हेपेरिन को, किसको, हेपेरिन को, साथ में अपन नॉर्मल स्लाइन को भी यूज करते हैं। तो यूज एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट होने के लिए अपन हेपेरिन का यूज करेंगे। फॉर्मिंग विद डायलाइजर और ब्लड ट्यूबिंग, हेपेरिन बाई बेसोफिल सेल सिक्रेट। अब बॉडी के अंदर हेपेरिन कौन सिक्रेट करता है, बेसोफिल जो सेल होती है, बेसोफिल जो इसिनोफिल, बेसोफिल ये इस प्रकार की जो सेल होती है, WBC का जो पार्ट होते हैं वो हेपेरिन को यहाँ पर सिक्रेट करने का काम करती है। देन नेचुरल IV एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन, हेपेरिन क्या होता है, नेचुरल IV एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। मोस्ट कॉमन यूज ड्रग टू प्रिवेंट क्लॉट
फ्रॉम फॉर्मिंग, मतलब मोस्ट कॉमन यूज आने वाली जो ड्रग होती है क्लॉट को बनने से रोकने के लिए, वो कौन सी है? हिपेरिन। हिपेरिन सबसे ज़्यादा यूज करने वाली की जाने वाली ड्रग है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपके? हेमोडायलिसिस के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है एंटीकोगुलेंट, वो कौन सा यूज़ किया जाता है? पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? ये बेसोफिल सेल सिक्रेट करती है बॉडी के अंदर और नेचुरल आईवी एंटीकोगुलेंट होता है। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट से, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। देन हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट लास्ट अबाउट 4 आवर एंड डन 3 टाइम पर वीक। अब 4 घंटे तक हीमोडायलिसिस चलता है। एक बार अगर हीमोडायलिसिस आप करा रहे हो अभी तो 4 घंटे का प्रोसेस होता है पूरा, और अपन को वीक में कितनी बार कराना है? 3 बार। अगर अपनी यहाँ पे किडनी वर्क नहीं कर रही है तो 3 टाइम अपन को यहाँ पे करवाना है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। तो आया समझ में सभी को? और यूज़ नॉर्मल स्लाइन टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का अर्थ होता है यहाँ पे आरबीसी का ब्रेक होना, तो होल ब्लड है उसका ब्रेक होना या उसका नष्ट होना, डैमेज होना। तो उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करने के लिए अपन नॉर्मल स्लाइन का यूज़ भी करेंगे। नॉर्मल स्लाइन यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन। ये मशीन है डायलिसिस वाली, ब्लड इन ट्यूबिंग थ्रू डायलिसिस फ्लूड ब्लड पंप लगा हुआ है आर्टरी और वेन। आर्टरी के द्वारा ब्लड यहाँ पे सबसे पहले आर्टरी के द्वारा ब्लड आता है, कहाँ पे जाता है? ये मशीन के अंदर। और यहाँ पे डायलिसिस फ्लूड है, डायलिसिस फ्लूड है या डायलिसेट लगा हुआ है, वहाँ से फ्लूड आता है और इस ब्लड के अंदर मिक्स होता है, और ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से चला जाएगा। जो यूज्ड डायलिसिस फ्लूड है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूड ये रहा, ये एक पंप के द्वारा, कंप्रेशन एयर का वाला पंप लगा होता है, उसके द्वारा इसका प्रेशर डालेगा, प्रेशर से जो ब्लड है वो तो नीचे आ जाएगा और पूरा का पूरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से इस डायलिसेट के अंदर आ जाएगा। ये डायलिसेट लगा हुआ है इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से मशीन वर्क करती है। देन जो ब्लड आपका फिल्टर हो चुका है वो ब्लड वापस रिटर्न बैक होके आपकी वेन के थ्रू वापस बॉडी के अंदर चला जाएगा। और इसके बीच में भी एक शंट लगा हुआ है, जो ब्लड आपका वेस्ट इसमें रह गया है वो वापस जाएगा मशीन के अंदर शंट के द्वारा और वापस होगा। ये इस प्रकार से चलता रहता है। देन अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। देन अगर आगे बढ़े अपन तो आगे देखें अगर अपन तो नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉनिटर वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी वैल्यू बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायलिसिस। डायलिसिस करने से पहले करते टाइम और बाद में वाइटल साइन को मॉनिटर करना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डियर नर्सेस की। क्यों? क्योंकि हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपोटेंशन, मतलब हाइपोटेंशन होता है पेशेंट को। देखो हीमोडायलिसिस के अंदर हाइपोटेंशन ही होता है, ऐसा नहीं है, कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी होता है। देखना, जैसे कि मैं बता दूँ, ब्लड जा रहा है बॉडी से बाहर, तो ब्लड बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं अपन? 28 डिग्री। तो ब्लड क्या होगा? ठंडा होगा, और ब्लड ठंडा होकर आएगा तो पेशेंट के अंदर तो क्या करेगा? चिल्स करेगा, राइगर करेगा, मतलब पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड ठंडा होता है तो उसका जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है, और ब्लड अगर एक बार बाहर गया तो पेशेंट को क्या होगा? हाइपोटेंशन। क्या होगा? हाइपोटेंशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार से हाइपोटेंशन वाली कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। देन क्लाइंट टेम्परेचर नेचुरली एलिवेटेड,
और क्लाइंट का जो नेचुरली जो टेम्परेचर है वो एलिवेटेड हो जाएगा। विद होल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड मेडिकेशंस दैट कैन अफेक्ट बीपी और रिजल्ट इन हाइपरटेंशन अंटिल आफ्टर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। हाइपरटेंसिव अगर ड्रग ले रहा है पेशेंट तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर बीपी फॉल डाउन होगा। हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करने से क्या होगा, बीपी फॉल डाउन होगा। और बीपी अगर फॉल डाउन होगा मतलब हाइपरटेंशन वाली कंडीशन डेवलप होगी और ऊपर से अपन डायलिसिस लगा रहे हैं, डायलिसिस मशीन लगा रहे हैं तो और उसका बीपी कम होगा, पेशेंट शोक में जा सकता है। तो अपन को हाइपरटेंसिव जो ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उसको यहाँ पे डायलिसिस में करते समय अवॉइड करना है, मतलब नहीं देना है। वैसे ही उसका बीपी नहीं बढ़ेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में हाइपरटेंशन मैंने पहले भी बताया, अभी वापस बता रहा हूँ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हीमोडायलिसिस का। किसका है, हीमोडायलिसिस का, पेरिटोनियम डायलिसिस का, पेरिटोनाइटिस होता है। तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का अर्थ है बीपी कम होना, नॉर्मल से कम होना। डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम का अर्थ होता है, याद रखना, इक्विलिब्रियम से बैलेंस, क्या होता है, बैलेंस, बैलेंस होता है ना, नॉर्मल बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना, वही। तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है, ए रैपिड चेंज इन कंपोजिशन ऑफ CSF, ECF एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड अकर ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस। रैपिड चेंज, चेंज होगा कंपोजिशन किसका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का कंपोजिशन है वो रैपिडली चेंज होगा जब ये अपन यहाँ पे डायलिसिस करेंगे, तो उस समय तो उसका रैपिडली वो चेंज होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का, तो उसमें क्या होगा, बैलेंस डिस्टर्ब होगा, फ्लूड का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन हो सकता है और एयर एम्बुलस हो सकता है, क्योंकि एयर मशीन के द्वारा अंदर जा सकती है। और हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, मतलब ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। और सेप्सिस यानी इन्फेक्शन इन ब्लड, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। और शोक, शोक वाली कंडीशन, पेशेंट शोक में जा सकता है। फेलियर टू सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन, और उसको बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए शोक को यहाँ पर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो फेलियर टू सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है, शोक। तो आज की जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी जर्नी थी पेरिटोनिया सॉरी हीमोडायलिसिस से रिलेटेड और रिनल एप्सिस मैंने बताया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और सारे के सारे बेसिक पैरामीटर जो आपको पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, और सारे के सारे मैंने यहाँ पे बता दिए। और मैंने ये भी बताया आप सभी को कि हाइपोटेंशन इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, देन पेरिटोनाइटिस का पेरिटोनियल जो डायलिसिस होता है उसका क्या होता है, पेरिटोनाइटिस होता है, वो भी अपन फर्दर लर्न कर लेंगे। और हीमोडायलिसिस की साइट्स बता दी थी आपको, और आपको याद कुछ नहीं रखना है इसमें, इसमें ओनली फॉर एक ही क्वेश्चन बनता है हीमोडायलिसिस से रिलेटेड, वो है हाइपोटेंशन। और एम्स आपको यहीं से घुमाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा यहीं से घुमाएगा आपको हीमोडायलिसिस से रिलेटेड। तो आज की जो हमारी जर्नी थी, आज की जो हमारी क्लास थी, वो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन बच्चों तक, उन गरीब बच्चों तक ज़रूर क्लास को पहुंचा दें जिनके पास यहाँ पे कोर्स लेने के यहाँ पे पेमेंट नहीं है उनके पास में, और किताबें भी वो नहीं खरीद सकते हैं किसी कारणवश, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो उन बच्चों तक क्लास को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्लासों का। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। कल फिर मिलते हैं, और कल अपन लास्ट डे होगा अपना, और उसमें अपन पूरा करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस, और बहुत ही अच्छे से उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे।